नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। जी हां दोस्तों, लगातार इस परीक्षा को लेकर तमाम अपडेट देखने के लिए मिल रही है और जो ऑथेंटिक अपडेट है वो लगातार आप सभी को ऑनलाइन डाफा स्टडी चैनल के माध्यम से दी जा रही है। तो उसी क्रम में अगर बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, चयन बोर्ड की तरफ से जो खेल है वो कर दिया गया है, असल में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा को लेकर लगातार विवाद का विषय जारी है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर चयन बोर्ड की तरफ से जनपद स्तर पर कराए जाने का जो फैसला है वो लिया गया है, जिसको लेकर छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन जारी है, कोर्ट के अंदर याचिका भी डाली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको उनके ही विद्यालय के अंदर यहाँ पर नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए बुलाया गया है। अब इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं, चयन बोर्ड को भी इस बात का डर सता रहा है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो चयन बोर्ड भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं उसकी गलती यहाँ पे परीक्षा के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई न दे, क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से जो गलतियां की गई हैं उसको लेकर बार बार संशोधन करना पड़ रहा है। एक बार फिर से चयन बोर्ड ने यहाँ पे नोटिस जारी करके इस बात को साबित कर दिया है कि चयन बोर्ड की कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। चयन बोर्ड खुद तय नहीं कर पा रहा है कि वो क्या सही कहना चाहता है, क्या गलत कहना चाहता है। उसी क्रम में 27/7/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए केवल जिला मुख्यालयों पर केंद्रों का निर्धारण की व्यवस्था की गई थी, परंतु विज्ञापन संख्या की अगर बात की जाए, पैरा नंबर 9 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि सभी मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी तरफ से बताया गया कि 31/10/2021 तक यहाँ पर परीक्षा को करवाना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ऐसे में उस विज्ञापन को संशोधित किया गया है, मतलब कि चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे खेल कर दिया गया है कि कल को छात्र अगर कोर्ट में जाकर इस मामले पर सुनवाई करवाते हैं तो चयन बोर्ड यहाँ पे दिखा देगा कि हमारी तरफ से विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है। मेरे समझ में ये नहीं आ पाता कि ये एक सही भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं करवा पाते, ये तीसरी और चौथी बार इनको यहाँ पर संशोधन करना पड़ा है। पहले अक्टूबर में विज्ञापन आया, संशोधन करना पड़ा, उसके बाद बीच में तदर्थ शिक्षकों के वेटेज को लेकर संशोधन करना पड़ा, फिर आज की तारीख में एक बार फिर से संशोधन करना पड़ा है। और ऐसे में लगातार विरोध का विषय जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं अभ्यर्थियों के 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर बना दिए गए हैं, अब चयन बोर्ड के अंदर भी डर सताने लगा है और कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की मिली भगत दिखाई दे रही है तदर्थ शिक्षकों के साथ में। फिलहाल यहां विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है, लेकिन क्या परीक्षा के अंदर कोई बदलाव किया जाएगा, अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, क्योंकि चयन बोर्ड ने अपने आप बचाव करते हुए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे कि आगामी समय के अंदर मामला कोर्ट में जाता है तो वो यहाँ से बच जाए। लेकिन क्या बचेगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद। लेकिन जो तदर्थ शिक्षकों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर है। जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।